नमस्कार, आप सभी का फिर से मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज आप सभी को मैं एक ऐसी जगह दिखाऊंगा, यानी एक ऐसा धारा दिखाऊंगा जहां गर्मी और बारिश के टाइम पर या सर्दी के टाइम पर पानी एक समान रहता है। और आप जैसे देखते हैं कि बारिश में हर जगह पानी बढ़ जाता है और जो भी धारे वगैरह हैं वो उनमें काफ़ी मात्रा में अधिक पानी आ जाता है, लेकिन आप सभी के बीच में एक ऐसा धारा भी दिखाऊंगा जहां पानी ना बढ़ता है और ना घटता है। मतलब कि एक आप 2% या 5-10% आप मान सकते हैं कि पानी बढ़ जाता है, लेकिन जब घटने की बात आती है तो बिल्कुल भी वह 5% नहीं घटता है। तो आप सभी को मैं वहीं पर लेके चलूँगा और दिखाऊंगा आप सभी को वह धारा कि यहाँ पर, अगर आप सभी को पता है कि यहाँ पर पानी क्यों नहीं बढ़ता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपने राय दे सकते हैं। तो आप सभी को मैं लेके चलूँगा उस धारे पर। तो यह धारा लगभग अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ लोद से लगभग आधा किलोमीटर नीचे है, यानी लोद घाटी क्षेत्र ही पड़ता है यहाँ पर। और एक रास्ता ये जाता है सीधे, ये जाता है एड़ाद्यो, यानी एक मंदिर है एड़ाद्यो, वो भी बहुत से यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर लगभग यहाँ से पड़ेगा, बिल्कुल कच्ची रोड है। तो वहाँ मैं आप सभी को लेके चलूँगा कभी, लेकिन अभी इससे पहले मैं आप सभी को उस धारे के पास लेके चलता हूँ। तो बने रहें वीडियो के साथ। यह वह धारा है जहाँ पर पानी कभी सूखता भी नहीं है और ना बढ़ता है। अगर सूखने की बारी आई तो आप सोच सकते हैं कि 5% पानी सूख जाता है। जो भाई इधर से जाते होंगे उन्हें हमेशा पता होगा, देख सकते हैं इनका स्रोत कहाँ से, ऊपर पूरा पहाड़ है और पता नहीं क्यों यहाँ का पानी ना बढ़ता है ना सूखता है। तो अपना जो राय है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसी के साथ आप सभी से लेता हूँ विदा, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।